हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेपल का जो शील्ड आता है बाइक के लिए, तो उसका फिटिंग कैसे किया जाता है। वैसे तो आप इस शील्ड को किसी भी गियर वाले बाइक के ऊपर फिट कर सकते हो। तो ये मेरा बजाज का एवेंजर है 150cc का। तो आज मैं आपको इसी बाइक के ऊपर फिट करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे फिट किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप इसको हम कैसे फिट करेंगे एंड सेपल वाले जो है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको अपने बाइक को डबल स्टैंड पे लगाना है। ओके फ्रेंड्स, अब मेरा बाइक डबल स्टैंड पे लग चुका है। तो अभी आप देख रहे हो इस एक बेस है, मेन पार्ट, ये जो बेस है इसको हम फ्यूल टैंक के ऊपर फिट करेंगे। इसके साथ आप देख सकते हो कि विंडशील्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और इसके साथ आपको ये बेल्ट्स भी मिल जाएंगे। ये जो बेस है ये काफ़ी स्ट्रांग है और ये जो बेल्ट्स है ऑलरेडी यहाँ पे लगा के देते हैं सेपल वाले। तो चलिए देखते हैं इसको फ्यूल टैंक के ऊपर कैसे फिट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो बेस है इसको फ्यूल टैंक के ऊपर ऐसे रख देना है। ये लगाते समय ये देखो कि इसमें ज़्यादा डिस्टेंस ना रखें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पीछे लगाया ना तो ये बहुत ही करीब हो जाएगा आपके पास। तो इसमें कम से कम डिस्टेंस रखिए आप, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। अभी इसको यहाँ पे रखने के बाद ये दो साइड पे यहाँ पे आप कोई बेल्ट्स दिखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। तो पहले आपको ये जो बेल्ट्स रहते हैं इसको आपको फिट करना है। तो इसको आपको फुट रेस्ट में फिट करना रहेगा, जैसे आपको ऑलरेडी दिखेगा यहाँ पे। इसको सिर्फ आपको फुट रेस्ट जो रहेगा उसके अंदर आपको ऐसे सरकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको इसके अंदर ऐसे फिट कर दिया है। वैसे ही आपको लेफ्ट वाले साइड को भी ऐसे ही फिट करना है। तो वैसे ही आपको अभी इस लेफ्ट वाले साइड को भी ऐसे फिट करना है। तो देखिए, तो हमारे फिट हो चुके हैं। अभी जो ये बेल्ट है इसको यहाँ से खींच के आप ऐसा टाइट कर सकते हैं। ओके, ये एक साइड का टाइट हो गया। वैसे ही आपको इस वाले साइड को भी फिट करना है। ओके, फिलहाल इसको आप ज़्यादा टाइट मत कीजिए, क्योंकि अभी आपको जो फ्रंट के साइड से है ये जो वाला बेल्ट, इसको भी आपको टाइट करना है, ठीक है। आप पहले इसको फिट कर लेते हैं, उसके बाद तीनों एक साथ हम टाइट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ्रंट वाला जो बेल्ट है इसको भी हमको फिट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो पूरा बेल्ट है, और इसको हमको क्या करना है, ये जो गाड़ी की जो चेसिस रहती है यहाँ पे, तो इसके नीचे से हमको लेना रहता है। तो देखिए यहाँ से आपको कैसे लेना है, यहाँ से इसको ऐसा पास कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो केबल्स दिख रहे हैं आपको गाड़ी के, इसके पीछे से आना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि इस बेल्ट के नीचे ये पूरा केबल्स वगैरह दब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका आपको केयर करना है कि ये पीछे से आ जाए, केबल्स के पीछे से आ जाए। और इसके बाद इसको आपको यहाँ से फिट करना है। ये लेते समय यहाँ से आप पीछे से ले लो, क्योंकि इससे आप अच्छे से फिट कर सकोगे। तो यहाँ पे देखो, मैं अभी इसको फिट कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो इसका जो बेस है इसको हमने फिट कर दिया है। यहाँ से जो तीन बेल्ट्स है इसके, तो तीनों बेल्ट्स हमने लगा दिए हैं। ये लेफ्ट वाला है, और ये राइट वाला है, और ये फ्रंट वाला है जो हमने यहाँ से लिया है। एक बार ये तीनों बेल्ट लग जाए तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से फिट करना है सभी को। अगर आपने यहाँ से खींचा ना तो
यहाँ से अच्छे से फिट हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये दोनों साइड से तो फिट हो गया है, वैसे ही हमको ये फ्रंट वाला भी करना है। अब ये बहुत अच्छे से फिट हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसका जो मेन पार्ट था ये तो हम अच्छे से फिट कर चुके हैं। अभी एवेंजर में एक प्रॉब्लम क्या है, इसका जो फ्यूल टैंक के ऊपर जो फ्यूल मीटर वगैरह जो रहता है ना, ये ऐसा ऊपर आया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको सेट करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, 30 मिनट्स तक का टाइम आपको लग सकता है। बट आपने एक बार इसको फिट किया ना तो उसके बाद आप 10-15 मिनट में इसको सेट कर सकते हो। बेल्ट्स को फिट करने के बाद यहाँ पे ऐसे कुछ रबर्स एंड स्क्रू दिए हैं जिसके साथ आप इसको और ज़्यादा फिट कर सकते हो। इसको मैंने वैसे ऑलरेडी सेट किया हुआ है, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करोगे ना तो इसको आप अच्छे से और फिट कर सकते हो। तो इसके वजह से ना तो और अच्छा फिट हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे अभी मैंने ऐसे 4 जो रबर से इसको फिट किया है। सेपल वाले आपको और भी ऐसे रबर से और स्क्रूज आपको प्रोवाइड करते हैं इसके एक्सेसरीज के साथ। इनमें से जो आगे के हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं और पीछे जो है यही भी स्मॉल साइज़ के ही थे, बट एक्सेसरीज के साथ और ये 2 जो लंबे रहते हैं ये भी प्रोवाइड करते हैं सेपल वाले। तो एवेंजर में कैसा है, ये ऊपर होने के कारण मैंने जो लंबे वाले थे रबर्स उनको पीछे सेट किया है मैंने यहाँ पे। इससे क्या होता है, ये जो हाइट रहता है ना वो एडजस्ट हो जाता है इसका। आप जब पहली बार इसको सेट करोगे ना तो आपको इसका पूरा आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे सेट करना है। और इसको सेट करना काफ़ी इजी है, कोई भी इसको सेट कर सकता है जल्दी से। ये देखिए, सेट होने के बाद ये ऐसा दिखता है, पूरा ऊपर की तरफ जाता है। इन बेल्ट को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, आप देख सकते हो। अभी बेस को सेट करने के बाद दूसरा काम जो रहता है वो यहाँ पे हमको ऊपर के साइड पे अभी बेस तो सेट हो गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर का जो रूफ रहता है इसका तो उसको हमें कैसे फिट करना है। तो अभी आप देख रहे हो ये रूफ है इसका, एक्चुअली ये 2 पार्ट्स में आता है तो मैंने उसको जॉइंट कर दिया है एक साथ। ये 2 पार्ट्स है, इसको हमने एक साथ जॉइंट कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ये फर्स्ट वाला है और ये है सेकेंड वाला। ये जो फर्स्ट वाला है ये राइडर के ऊपर आता है और सेकंड वाला जो है वो पिलियन के लिए रहता है। ये 2 पार्ट आप अलग भी कर सकते हो, अगर आप सिंगल से ड्राइव कर रहे हो तो आप एक ही पार्ट रख सकते हो यहाँ पे। बट मैंने अभी जॉइंट किया है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे फिट करेंगे अभी ये बेस के ऊपर। तो अभी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना इसके अंदर हमको फिट करना है। और अभी ये रूफ को आपने अगर देखा तो यहाँ पे ये जो 2 होल्स है ना इसको हमें उसके अंदर फिट करना है। तो अभी आप देख रहे हो मैं इसके अंदर इसको फिट कर रहा हूँ। तो अभी बहुत सा अंदर जा चुका है, इसको थोड़ा सा धक्का देकर पूरा अंदर डालना है। ओके, अभी ये पूरा अंदर जा चुका है। ओके, अभी आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आपको स्क्रू फिट करना है। सेपल वाले हमें स्क्रू प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे 4 स्क्रूज हैं जो आपको यहाँ पे फिट करना है। बहुत ही इजीली आप इसको फिट कर सकते हैं, हाथ से ही आप कर सकते हो। ये मेरे सारे स्क्रू फिट हो चुके हैं यहाँ पे।
स्क्रू लगाने के बाद ये पूरा स्ट्रांग हो जाता है। वैसे ही पीछे आपको यहाँ पे ये लॉक दिखेगा दोनों साइड पे, इसको हमको फिट करना है। यहाँ पे फिट हो गया, इसको ये इसे अच्छे से ठीक कर दो। और वैसे ही यहाँ पे भी है, अभी मैंने इसको ऑलरेडी फिट किया था, तो यहाँ से ऐसे इसको फिट करते हैं। ओके हो गया, पहले ऐसे नीचे से फिट कर दो और ये ऊपर के साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको ऊपर से ऐसे फिट कर दिया है। वैसे ही और दो स्क्रू ऐसे लगाना है, मीन्स टोटल 3 स्क्रू हमने लगाए हैं। तो ये देखिए मैं लास्ट वाला जो स्क्रू है नीचे का उसको फिट कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब ये 3 जो स्क्रू है इनको ऐसे नीचे से ये ऐसे दिखेंगे और ऊपर के साइड से ये जो 3 है, 1, 2 और वो तीसरा, इसको इस तरह से फिट कर दिया है। और ये लॉक है, इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। देखिए ये लॉक मैंने अभी यहाँ से फिट कर दिया है, सेम इसी साइड पे भी लॉक आपको फिट कर देना है। देखिए अब ये रूफ लगने के बाद इस तरह से दिखता है, ये फ्रंट लुक है इसका। और ऐसे दिखेगा, ये सेपल वालों का ब्रांडिंग यहाँ पे आएगा नीचे से, यहाँ से और इस साइड से। लगाने के बाद इसका लुक काफी अच्छा आता है। एक बात है, जब आप फिट करोगे ना तो एक बात का ध्यान रखो कि ये जो मिरर से ये यहाँ से आसानी से पास हो जाए, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से अटक जाए। तो ठीक है, ये तो परफेक्ट फिट हो चुका है हमारा। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये मोबाइल होल्डर है। जब आप बाइक ड्राइव करोगे तो आप अपने मोबाइल को यहाँ पे फिट कर सकते हो। यहाँ से आपको ऊपर करना है वैसा, और यहाँ पे आप मोबाइल फिट कर सकते हो। एकदम परफेक्ट फिट हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा आप तेज ड्राइव करोगे तो भी। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप ड्राइव करोगे तो आप मैप वगैरह यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे तो आप रूफ का जो हाइट है वो भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉक दिखेंगे, ये अलग अलग हाइट के लॉक्स है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। आपको अगर हाइट कम चाहिए तो इसका आप हाइट कम रख सकते हो यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे आपको ज़्यादा दूर यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। तो मैं तो हमेशा ज़्यादा ही हाइट रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हाइट ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ये जो लॉक्स है यहाँ पे ऐसे रख के कि आपको अंदर प्रेस करना है। देखो यहाँ पे फिट हो गया, अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, मीन्स बाहर नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, बट जब आपको फ्यूल फिल करना रहेगा तब आपको इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आसानी से खुल जाता है अगर आपने यहाँ से अंदर से ऐसा पुश किया थोड़ा तो। ठीक है, इसको आप ऐसे ऊपर कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप आसानी से फ्यूल फिल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको पूरा निकालने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा बेस है, आप सिर्फ ये यहाँ से निकाल के यहाँ पे आप फ्यूल फिल कर सकते हो, और उसके बाद फिर से आपको ये फिट करना है। अभी बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इसको लगाने के बाद आपको बारिश नहीं लगेगी, समर सीजन में तेज धूप नहीं लगेगी, और डस्ट से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका जो रूफ है ये काफ़ी वाइड है, तो ये राइडर और पिलियन दोनों को भी अच्छे से कवर करता है। इसका जो विंडशील्ड है सामने का, तो ये काफ़ी स्ट्रांग है, और बारिश में इसके ऊपर पानी नहीं रुकता है, तो इससे आप आसानी से देख सकते हो। मैं खुद इसे 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे तो ये काफ़ी कंफर्टेबल लगा। और अगर आपको भी ये अच्छा लगा तो आप इसको सेपल के साइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, और सेपल वाले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का लेटर प्रोवाइड करते हैं जिसे आप RTO वालों को दिखा सकते हो। तो इससे आपको RTO वालों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता।
और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।